हमने CSS के अंदर सेलेक्टर्स की बात की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग सेलेक्टर्स को और क्लोजली देखेंगे और कुछ बातें ऐसी बताऊंगा आप लोगों को सेलेक्टर्स के बारे में जो कि हम लोग एक्चुअल में यूज करेंगे जब वेबसाइट्स बिल्ड करेंगे। तो हाई एनर्जी के साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच ओपी लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को गिटहब पर लेकर जाना चाहता हूं जहां पर मैंने सोर्स कोड जो है आप लोगों को दिया था। और इस बार मैं आप लोगों को सोर्स कोड एक्सेस करने को नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि हमने सेलेक्टर्स के बारे में कौन कौन से सेलेक्टर्स की बात ऑलरेडी कर ली है। यहाँ पर मैंने वीडियो 35 नाम से एक बना लिया है फोल्डर और मैं यहाँ पर CSS मोर ऑन सेलेक्टर्स और इसको ना मोर ऑन CSS सेलेक्टर्स कर देते हैं, थोड़ा और बेटर रहेगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्टर्स के बारे में कुछ और चीज़ें बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं स्टाइल लिख देता हूँ और चलो प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा dev dot boxes और इसके बाद मैं dev dot box लिखूंगा और hey I am a box लिखूंगा, ठीक है। और मान लो मैं इसको रेप्लीकेट करना चाहता हूँ और रेप्लीकेट करने के बाद लेट अस से कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह से दिखने वाला है और मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करूँगा और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं अगर चाहता हूँ पहले एलिमेंट को सिलेक्ट करना तो मैं पहले एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ फर्स्ट चाइल्ड करके। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट बॉक्सेस और मैं लिखता हूँ यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड, तो मैं यहाँ पर इसका फर्स्ट चाइल्ड सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर को रेड कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर डॉट बॉक्स करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि डॉट बॉक्स अगर अपने पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है तो बैकग्राउंड कलर रेड लग जाएगा। आप देखो पहले वाले पे ही लगेगा। और मैंने पहले बॉक्सेस लिखा था तो क्या हुआ था, पूरे पे लग गया था, इस पे लग गया था पूरे पे बॉक्सेस पे, क्योंकि बॉक्सेस बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है। तो ये इस तरह से देखना है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें, लेकिन इसको आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद मैं कहूँगा कि यार जो डॉट बॉक्स है उसका फर्स्ट लेटर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, इनफैक्ट उसकी फर्स्ट लाइन मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा से टेक्स्ट भरा हुआ। और मैं कह सकता हूँ कलर कर दो येलो, ठीक है। और इसके लिए मैं इस वाले को कमेंट आउट करूँगा एंड मे बी मुझे यहाँ पर एक बड़ा लॉरम डालना पड़ेगा, लॉरम 455। आई नो इट्स अ लॉट ऑफ टेक्स्ट। आप देखो फर्स्ट लाइन जो इसकी है वो येलो कलर की आ गई और जो बाकी की लाइंस हैं वो डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर की हैं। तो मैं फर्स्ट लाइन को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ CSS से। और अगर मैं इसको छोटा करूँगा ना, आप देखो जो फर्स्ट लाइन डिवाइस में रेंडर हो रही है उसी से मतलब है इसको, और इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लाइन इतने वर्ड्स या फिर इतने कैरेक्टर्स या फिर लेट अस से इतनी विड्थ, नहीं, आपके डिवाइस की फर्स्ट लाइन। अभी देखो मैंने इसका कलर येलो किया हुआ है, थोड़ा कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है, बट यू गॉट द पॉइंट यार, ठीक है। मैं इसका जो कलर है वो ब्लैक करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये देखो चेंज हुआ ब्लैक में, रेड करता हूँ यार, हटाओ, रेड करता हूँ। अब देखो ऊपर रेड में चेंज हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये रेड में चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट लाइन को आप लोग इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं वापस आऊँ तो हम लोगों ने एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में बात की थी, हमने क्लास सेलेक्टर के बारे में बात की थी, आई डी सेलेक्टर बहुत सिंपल था, चाइल्ड सेलेक्टर के बारे में बात की थी कि यार अगर ये डायरेक्ट चाइल्ड है पी डिव का तो इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। डिसेंडेंट सेलेक्टर के बारे में बात की थी, डिव के अंदर कहीं भी पी हुआ अगर तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लग जाएंगी। फिर हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर जो कि सब कुछ को सेलेक्ट कर देता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर से रिलेटेड एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ और वो ये है कि अगर मैं चाहता हूँ बॉक्सेस के अंदर सब कुछ, जो बॉक्सेस के अंदर सब कुछ, इसको ज़रा कंट्रोल जी करूँगा और टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा करूँगा, आई एम फर्स्ट बॉक्स, और इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और मैं कहूँगा कि यार जो बॉक्स का मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉक्सेस के अंदर सारे एलिमेंट्स का आप क्या कर दो, कलर कर दो ब्लू, ठीक है। तो क्या होगा, डॉट बॉक्सेस स्टार का मतलब बॉक्सेस के अंदर सारे एलिमेंट्स पर ये अप्लाई हो जाएगा। एंड लेट अस से मैं कहता हूँ बॉर्डर 2 pixel सॉलिड ब्लैक, कुछ इस तरह से कर दो। तो आप देखो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा, बॉर्डर 2 pixel सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो बॉक्सेस के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए आप लोग कुछ इस तरह से डॉट बॉक्सेस स्टार करके सेलेक्ट कर सकते हो। देखो अगर मैं सेलेक्टर्स की बात करूँ तो बहुत सारे सेलेक्टर्स जो है वो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उतना आप लोग को सिखाना चाहता हूँ जितना ज़रूरी है। और ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा कि आप लोगों के लिए सिर्फ उतने सेलेक्टर्स चुनूंगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होंगे जब हम अपनी रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स बनाएंगे। तो अब एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में और आप लोगों को बताता हूँ। मैंने हालांकि कोर्स के बीच में आप लोगों को बताया था, बट लेट अस से कि मैं डालता हूँ यहाँ पर डेव में, लेट अस से मैं डालता हूँ डेटा कलर इज इक्वल टू प्राइमरी, ठीक है, यहाँ पर डालता हूँ प्राइमरी। अब मैं चाहता हूँ कि डेटा कलर जहाँ प्राइमरी हो वहाँ पर से मार्जिन टॉप लग जाए, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से एट्रीब्यूट सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि डेटा कलर इज इक्वल टू अगर प्राइमरी हो तो क्या करें आप, तो आप कर दें लेट अस से मार्जिन टॉप
45 पिक्सल्स और जहाँ जहाँ डेटा कलर प्राइमरी होगा वहाँ मार्जिन टॉप लग जाएगी, आप यहाँ देख सकते हो। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये देखो डेटा कलर प्राइमरी थी तो मार्जिन टॉप यहाँ पे लग गई, आप लोगों ने देखा यहाँ पर मार्जिन टॉप लग गई, और यहाँ पर बॉर्डर भी इस पे लगा हुआ है तो मार्जिन भी लगा दी मैंने, बॉर्डर भी लगा दी। अगर मैं इसको पैडिंग कर दूँ बाय द वे तो ये अंदर से लगेगी, ये भी आप लोगों को बता दूँ, तो आपको जो बॉर्डर है वो ऊपर दिखेगा। तो ये देखो इस वाले एलिमेंट में लग गई मार्जिन टॉप क्योंकि इस पर डेटा कलर प्राइमरी था। ये चीज़ आप किसी भी एट्रीब्यूट के लिए कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डेटा वाले एट्रीब्यूट्स के लिए ही करें, आप इवन क्लासेस के लिए भी कर सकते हैं, आईडी के लिए भी कर सकते हैं, जो भी एट्रीब्यूट लगा हुआ है एचटीएमएल एलिमेंट में उसके लिए कर सकते हैं। अब आप लोग ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि सारे पैराग्राफ्स में, सारे एज में, सारे बॉक्स क्लासेस में और सारे डेटा कलर प्राइमरी में ये चीज़ लगा दो, तो इस तरह से मैं ग्रुपिंग कर सकता हूँ। तो ये ग्रुपिंग हो गई सिलेक्टर की, एंड इसका प्रभाव जो है कुछ इस तरह से पड़ेगा, सभी में लग जाएगा अब तो, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए हैं, ए सारे के सारे, पी सेलेक्ट कर लिए हैं, तो ये ग्रुपिंग ऑफ सेलेक्टर्स हो गया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैं इसको ज़रा कमेंट आउट करूँगा जो ऊपर लिखा है मैंने, मैं नहीं चाहता कि इसके प्रभाव से आप लोग कन्फ्यूज़ हों। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भाई साहब जो बॉक्सेज हैं ना, बॉक्सेस के अंदर जो, या फिर मैं बॉक्स पर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि nth child, और मैं कहता हूँ कि अगर nth child even हो ना तो उसका background color blue कर दो, ठीक है। तो अगर nth child even हो तो background color blue कर दो, ठीक है। तो ये जो गिनती है वो 1 से start करता है, आप देखो 1, 2, 3, 2 even है तो यहाँ पर blue लग गया, 1 और 3 जो है odd है, तो ये इस तरह से आप लोग कर सकते हो, डायरेक्टली even या odd ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर। ये भी एक चीज़ है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखो odd लिखा तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा nth child CDO selector। अब आप लोग क्या कर सकते हो, डॉट बॉक्स nth चाइल्ड में आप एक नंबर डाल सकते हो 1, 2, 3, 4, और nth लास्ट चाइल्ड मान लो मैं 1 करता हूँ और उसके बाद मान लो मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, तो आप देखो कि नीचे से जो पहला होगा वो रेड हो जाएगा, और ये चीज़ आप लोग अगर यहाँ पर 2 करोगे तो नीचे से जो दूसरा होगा वो हो जाएगा रेड, एंड ये मतलब नीचे से टॉप करना कहते थे ना कि भाई मैंने नीचे से टॉप करा है, तो ये वही नीचे से टॉप करने वाली बात हो गई, ठीक है। लोग कहते थे ना जब हम स्कूल में होते थे टॉप करा है लेकिन नीचे से करा है, ठीक है। तो इस तरह के काम जो है आप लोग कर सकते हो। फिर आप जैसे यहाँ पर nth लिखोगे ना तो आपको यहाँ पर इस तरह के और भी बहुत सारे स्यूडो सेलेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, तो इनको आप लोग एक्सप्लोर करना, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप जैसे जैसे इनमें एरो कीज लेके जाओगे, इसके बारे में लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज एक्सपेरिमेंटल, इसको यूज़ ना करें। फिर रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट दैट हैज़ an प्लस बी माइनस वन सिबलिंग्स, nth लास्ट चाइल्ड मैंने आप लोगों को बताया ही, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल हैं जो कि मैं चाहूँगा कि आप लोग उनसे दूर ही रहें, एक्सपेरिमेंटल वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये nth चाइल्ड वाली प्रॉपर्टीज़ हो गई जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। देखो ज़्यादा ब्लोटेड नहीं बनाना चाहूँगा वीडियोज़ को, यूज़लेस प्रॉपर्टी के, इनफैक्ट यूज़लेस तो कुछ भी नहीं होता है। मैं कहूँगा कि अगर आप लोग एक बिगिनर हैं और आप एक वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो रिलेटिवली आप लोगों के लिए कम यूज़ में आने वाली प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता ब्लोट हो जाए वीडियो। मैं चाहता हूँ कि मैं 10-20 मिनट का वीडियो बनाऊँ जिसमें मुद्दे की बात करूँ, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। मैं डॉक्यूमेंटेशन वाला वीडियो नहीं बनाना चाहता, तो मैं आप लोगों को बिफोर और आफ्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बॉक्सेस और यहाँ पर लिखूँ बिफोर, तो आप देखो ये करने के बाद मैं यहाँ पर कंटेंट डाल सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कंटेंट में हैरी इज़ गुड। तो ये बॉक्सेस बिफोर करके कंटेंट डालने का क्या पॉइंट है? अब आप देखो इसको मैं जब इंस्पेक्ट करूँगा यहाँ पर, मैं ज़रा अपने आप को इधर कर लेता हूँ, और आप देखो मैंने जब यहाँ पर बॉक्सेस लिखा तो यहाँ पर देखो एक बिफोर एलिमेंट इसने इंसर्ट कर दिया, यानी कि बॉक्सेस के अंदर बॉक्सेस के मेन कंटेंट से पहले इसने एक एलिमेंट को डाल दिया और उसका कंटेंट इसने कर दिया हैरी इज़ गुड। तो इस तरह से एलिमेंट को CSS के थ्रू डायनामिकली इंसर्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? CSS के थ्रू एलिमेंट को डायनामिकली इंसर्ट, और ये बिफोर और आफ्टर की सहायता से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस्तेमाल होता है क्या? बहुत ज़्यादा होता है भाई, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बिफोर क्या करेगा? मेन कंटेंट से पहले इंसर्ट कर देगा, कंटेंट में आप डालो जो आपको कंटेंट चाहिए। आफ्टर क्या करेगा? आफ्टर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, अगर ये चीज़ मैंने आफ्टर करी होती, बिफोर और आफ्टर दोनों यूज़ कर सकते हैं क्या एक बार में? हाँ कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर मान लो आफ्टर करके लिख दूँ सिग्मा कोर्स इज ऑल्सो गुड, ठीक है। और मान लो मैं ऐसा करके आप लोगों को अगर दिखाऊं अभी, तो देखो यहाँ पर हैरी इज़ गुड आया, सिग्मा कोर्स इज़ ऑल्सो गुड आया। मैं इसको स्टाइल भी कर सकता हूँ बाय द वे, मैं इसका कलर जैसे कि मान लो रेड कर दूँ और इसका कलर मान लो मैं ब्लू कर दूँ, आई कैन डू ऑल दैट, ठीक है। तो मैं स्टाइलिंग भी कर सकता हूँ, उसका ब्लू कर दिया जो आफ्टर था उसका, सिग्मा कोर्स इज ऑल्सो गुड का रेड कर दिया। और यहाँ पर आप लोग देखो कि बिफोर या इंसर्ट होगा, आफ्टर या इंसर्ट होगा, बीच में मेन कॉन्टेंट इंसर्ट होगा। कभी कभी डायनामिकली डालना पड़ता है यार कॉन्टेंट, तब इस्तेमाल होते हैं बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स। इनको स्यूडो एलिमेंट्स कहा जाता है, सेलेक्टर्स नहीं कहा जाता है, स्यूडो एलिमेंट्स। और इसके अंदर CSS आप लोग लिख ही सकते हो। अब मैंने आप लोगों को लिस्ट के मार्कर्स के बारे में बताया था, मैं आपको सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं अगर कहता हूं कुछ इस तरह से डॉट बॉक्सेस सेलेक्शन, कि यार अगर किसी ने सेलेक्ट कर दिया यूज़र ने,
तो लेट से मैं चाहता हूँ कलर हो जाए हमारा एक्वा, ठीक है। और मैं ये किसी एलिमेंट के कंजंक्शन में नहीं, मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा तो सारे पेज के सिलेक्शन के लिए काम करेगा। अब ये काम करेगा, दिखाता हूँ आपको। तो मैं सेलेक्ट करूंगा, देखो कलर एक्वा हो गया सेलेक्टेड टेक्स्ट का। मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड भी ऐड कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ भाई बैकग्राउंड कर दो ब्लैक, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ब्लैक कर दो और कलर एक्वा कर दो। और अब सेलेक्ट करोगे आप तो देखो इस तरह से सेलेक्ट होगा। तो ये हमारा जो सेलेक्टर है ये सेलेक्ट करेगा सेलेक्टेड एलिमेंट्स को, उस पर स्टाइल अप्लाई कर देगा। तो ये चीज़ भी आप लोग कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फर्स्ट लेटर के बारे में। तो मैं अगर चाहता हूँ कि जो मेरे डॉट बॉक्स है और उसमें जो फर्स्ट लेटर है उसका जो कलर हो वो क्या हो जाए, मान लो उसका कलर हो जाए, मैं इसको ऊपर करता हूँ स्क्रॉल, मान लो पर्पल हो जाए, ठीक है, या पेरू हो जाए, पेरू, ठीक है। सेमी कॉलन लगा कर आप लोग को दिखाता हूँ, जो फर्स्ट हमारा लेटर है उसका कलर यहाँ पर पर्पल हो गया, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म, अपर केस वगैरह वो सब चीज़ें भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था। बट इस तरह से आप लोग फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली इसका फॉन्ट फूंट भी बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैं अगर इसके फॉन्ट साइज़ को 45 पिक्सल्स कर दूँ, विच इज़ रिडिकुलसली लार्ज फॉन्ट साइज़, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक इनपुट एलिमेंट के बारे में बताता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मान लो मेरा एक फॉर्म है, मैं यहाँ पर लिखूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और मान लो मैं इसमें लिखूँ प्लेस होल्डर इज इक्वल टू टाइप योर नेम हियर, ठीक है। मान लो मैंने ये लिखा, अब मैं इनपुट को टारगेट करके मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब जो इसका प्लेस होल्डर है ना उसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, और इसके प्लेस होल्डर का कलर जो है वो मैं ब्लू करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके प्लेस होल्डर का कलर ब्लू कर सकता हूँ, इसके प्लेस होल्डर का साइज़ चेंज कर सकता हूँ, इसके प्लेस होल्डर के अंदर काफ़ी चीज़ें कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसका फॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज़ मुझे चाहिए 56 पिक्सल, विच इज़ रिडिकुलसली लार्ज फॉन्ट साइज़। तो ये देखो ये ओवरफ्लो करेगा और ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। कभी कभी इस तरह के इफेक्ट्स अगर चाहिए आपको तो कर सकते हो। तो इनपुट का जो प्लेस होल्डर है इसको ज़रा सही कर देता हूँ यार, ये क्या ही बिहेवियर है मेरा कि मैं इसको ब्लू कलर का कर रहा हूँ। थोड़ा अच्छा दिखाते हैं यार, थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट चालू करते हैं, ऐसा कि देखने में लगे कि भाई एक्चुअल में कुछ वेबसाइट बन रही है, ठीक है, सिर्फ डेमो डेमो नहीं चल रहा है, ठीक है। आई नो दैट यू आर वेटिंग फॉर ब्यूटीफुल वेबसाइट्स, आने वाली हैं बहुत जल्दी, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो चुकी है आप लोग को। सो यार ये थे कुछ ऐसे सेलेक्टर्स, सीडियो सेलेक्टर्स और सीडो एलिमेंट्स जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था। एंड इन माई ओपिनियन इतना काफ़ी है, इसके अलावा कुछ भी अगर लगता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा यार, ठीक है। जब भी हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। आई जस्ट होप कि यार मज़ा आ रहा है सबको। नीचे कमेंट सेक्शन में एक बात लिख दूंगी यार, मज़ा आ रहा है हमको। और अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं करी है सिग्मा वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट, तो यार यहाँ क्लिक करके इसको बुक मार्क करें, यहाँ क्लिक करके इसको सेव करें, और गिटअप कोड भी मैं डालता चल रहा हूँ, सारा गिटअप कोड आप लोगों को मिल जाएगा। एंड आई होप कि मज़ा आ रहा है, कमेंट सेक्शन सबका चाहिए भाई, मुझे नहीं मालूम। अभी के लिए इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।